हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका मेडिटेशन पावर। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा सब्जेक्ट देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मैंने क्या बोल दिया। सभी ये कहते हैं कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए इंसान को, पर सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि सेल्फिश बनने से मेरा यह मीनिंग नहीं है कि आप इंसानियत को भूल जाएं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप उन व्यक्तियों से दूर रहें जो सिर्फ आपको अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। अक्सर आपके आसपास के लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपको तब याद करते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है, या कुछ लोग सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपसे कुछ काम हो और वे आपको सिर्फ ज़रूरत के समय पर याद करते हैं, और आप अच्छा बनने के चक्कर में या अपने नेचर से मजबूर होकर बिना सोचे समझे उन व्यक्तियों का कोई भी वर्क हो, कोई भी काम हो, करते रहते हैं, और दूसरी तरफ वह व्यक्ति आपको सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ करता रहता है। फ्रेंड्स, अच्छा बनना बहुत अच्छा है, सबकी मदद करना बहुत अच्छा है, परंतु तब तक जब तक कि आपको कोई नुकसान ना हो। अच्छा बनने के चक्कर में आप बेवकूफ ना बन जाएं। इससे होता यह है कि आप तो अच्छी भावना से उस इंसान का कार्य कर रहे होते हैं, आप उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, आप अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी पॉजिटिव सोच उस व्यक्ति के कार्य के लिए लगा देते हैं, परंतु दूसरी ओर वह व्यक्ति आपको सिर्फ अपने काम के लिए यूज़ करता रहता है और आपको नुकसान पहुंचाता रहता है। परंतु जब तक आपको इस बात का एहसास होता है, कई बार तब तक बहुत देर हो गई होती है और आप भावात्मक रूप से टूट जाते हैं, और कभी कभी आपके मन में एक डर उत्पन्न हो जाता है और आप किसी दूसरे व्यक्ति पर भी विश्वास नहीं कर पाते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उस नुकसान से वह डिप्रेस हो जाते हैं और वह डिप्रेशन की स्टेज में चले जाते हैं, टूट जाते हैं, और इस स्टेज में वह ना तो अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, जी पाते हैं, और ना तो वो प्रोफेशनल लाइफ को ठीक से हैंडल कर पाते हैं। तो आज से ही इस नुकसान से बचने के लिए आप अपने को यूज होने से बचाएं। पहले सोचें कि क्या कहीं वह इंसान आपको सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। यदि ऐसा है तो आप उस व्यक्ति को साफ शब्दों में ना कहना सीखें, क्योंकि आप अपना जीवन जीने के लिए आए हैं। ईश्वर ने आपको धरती पर अपना जीवन जीने के लिए पैदा किया है, परंतु इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप सबकी हेल्प करना छोड़ दें।
केवल आप उन स्वार्थी लोगों से बचें जो सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए आपको यूज़ कर रहे हैं, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, बनाने के लिए सिर्फ आपका उपयोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी सफल व्यक्ति या किसी सफल बिजनेसमैन या किसी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन को देखा है? उनकी पर्सनालिटी के अंदर एक अलग बात होती है और वह बात ये होती है कि वह अपने डिसीजंस पर, अपनी बातों पर बिल्कुल क्लियर होते हैं और वह कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे नहीं लेते, और यदि वह लेते हैं तो वह उस पर दृढ़ होते हैं, टिके रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। आप भी वैसे बने। ध्यान दें कि आप जिस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसका कार्य आप कर रहे हैं, क्या वह उस हेल्प के लायक है, या आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स वही होता है जो हर समय आपका ख्याल रखे, जो व्यक्ति केवल जरूरत पर आपको याद ना करे। यदि वह ऐसा करता है तो वह मतलबी है। वास्तव में स्वार्थ हमारे जीवन को बेहतर नहीं बनाता है, इसके विपरीत यह प्रायः हमारे जीवन को रोकता है, हमें जीवित होने से रोकता है। परंतु यदि कोई मनुष्य आपको अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए इस्तेमाल करता है, तो आपको अलर्ट रहना होगा। इंसान दुर्बलताओं का पुतला है, वह सिचुएशंस का दास बन जाता है। आप जैसा व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं, वैसा ही आपको दूसरे के प्रति भी करना चाहिए। अपने मन को टटोलें। यदि आपकी आत्मा, आपकी इनर सोल आपको कोई चेतावनी देती है कि वह व्यक्ति आपको सिर्फ अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे सुने, उस पर ध्यान दें। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर मोर वीडियोस प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे काम, स्टे कूल, स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच।